फ्रेंड्स, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम अपने के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और हमने यहाँ पे हाफ इंच का एक्स्ट्रा दबाव ले लिया है, तो इस तरीके से आप भी दबाव ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सबसे पहले बाजू को हम बीच से कटिंग कर लेंगे। एक पल्ले को हम इस तरीके से हटा देंगे और एक पल्ले को इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले मुझे पूरे पाइपिंग बनानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड, वो 1.25 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.25 इंची का उरेब पट्टी ले लेंगे। और हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और हम एक चाप पर सिलाई लगाते हुए बाजू में पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और सबसे पहले आप पूरे में नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद बिल्कुल एक समान हम पूरे में पाइपिंग को निकाल लेंगे। इसी तरह से बाजू के दूसरे पल्ले में भी हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। हमने बाजू के दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम बाजू को हटाएंगे, और हमने एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड जो कि सलवार का कपड़ा का है, और इसकी चौड़ाई जो हमने रखा है वो 2.25 इंची रखा है फ्रेंड। इस तरीके से एक फैब्रिक ले लेंगे। फैब्रिक लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से बाजू को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है, जो हमने पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे लगाते हुए बाजू को फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। अब हम बाजू के दूसरे पल्ले को लेंगे। दूसरे पल्ले को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम बिल्कुल सटाकर पाइपिंग को रखेंगे। और इस तरह से सटाकर रखने के बाद जो हमने सिलाई लगाया था पाइपिंग निकालने के लिए, बिल्कुल उसी सिलाई पे लगाते हुए हम पट्टी में बाजू को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग लिया है फ्रेंड, इसकी चौड़ाई जो हमने रखा है 2 इंची रखा है, और इसकी लंबाई जो हमने रखा है वो भी 2 इंची रखा है। तो 2 इंची लंबा 2 इंची चौड़ा एक फैब्रिक लेंगे, और बिल्कुल सीधे कटिंग करके आप कुर्ती का कपड़ा में चिपका लेंगे, और फिर बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर आप कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप 3 पीस बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि मुझे पूरे में पाइपिंग निकालनी है। तो पाइपिंग निकालने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और हमने जो फैब्रिक की चौड़ाई रखा है वो 1.5 इंची रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे, और फिर हम पैच को इस तरीके से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद जितने भी मोटी मुझे पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पैच में पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पैच को इस तरह से कर लेंगे, और फिर सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम पलटेंगे। अच्छे तरीके से आप इस तरीके से पलट लेंगे, और इस तरीके से पलटने के बाद बिल्कुल एक समान है इस तरीके से हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। पाइपिंग को निकालने के बाद पैच को इस तरह से उल्टा करेंगे, और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से दो और हम पैच को बना लेंगे। तो हमने तीनों पैच को बना लिया है। अब हम पैच को रख देंगे, और हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद तकरीबन ऊपर से हम 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से पैच को आप रखेंगे क्रॉस में, इस तरीके से आप रखेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग बनाने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे।
तो हमने पैच को लगा लिया है। पैच को लगाने के बाद जब हम दूसरी पैच को लगाएंगे फ्रेंड, तो तकरीबन मुझे 2 इंची का गैपिंग देनी है। तो इस तरीके से 2 इंची का गैपिंग देते हुए पैच को रखेंगे, और फिर इसी तरीके से 2 इंची का गैपिंग देते हुए तीसरी पैच को भी हम रखेंगे, और फिर हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने पैच को लगा लिया है। पैच को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से रखेंगे, और इस तरीके से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि नीचे में भी मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है फ्रेंड, और इसकी भी चौड़ाई 1.5 इंची ही है। तो अब हम इस तरीके से डबल कर लेंगे फैब्रिक को। डबल करने के बाद इस तरीके से बाजू के ऊपर पट्टी को हम रखेंगे, और रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से कर लेंगे, और फिर हम पूरे में नाखून लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग को निकाल लेंगे। तो हमने पाइपिंग को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड के हर एक पैच पे यहाँ यहाँ पे मुझे फैब्रिक बटन को लगा लेनी है। हमने फैब्रिक बटन को लगा लिया है, इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।